नमस्कार, मैं हूं रविशंकर। आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज। पल पल की खबरों पर नजर, आइए डालते हैं आज की खास खबरों पर नजर। हसनगंगा चुनाव। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवंबर दिवसीय भागवत कथा और शेर से आए संजय कृष्ण द्विवेदी की वाणी से श्रोता हुए भक्ति विभोर। आपको बताते चलें, हसनगंगा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सराय मलकादी में नवंबर दिवसीय भागवत कथा का आज सातवें दिन आयोजन हो रहा है, जिसमें कन्नौज जिला के औसेर से आए संजय कृष्ण द्विवेदी ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का बखान किया और भगवान राम विवाह का प्रसंग सुनाया। मानो सभी श्रोताओं को लगा कि वे भगवान राम के विवाह में ही शामिल हो गए हैं। ताली बजाने की गड़गड़ाहट निकल पड़ी। कथा का रसपान कराते हुए कथावाचक संजय कृष्ण द्विवेदी ने कहा कि सीता मां गौरी पूजन के लिए फुलवारी से फूल तोड़ने के लिए जाती हैं। उसी फुलवारी में भगवान राम का दर्शन होता है। सीता की नजर राम पर पड़ती है तो वह मोहित हो जाती है। दूसरी तरफ भगवान राम को सीता के नुपुर की आवाज मोहित करती हैं। गौरी की पूजा करते समय सीता माता अपने वर के रूप में राम को मांगती हैं। कथावाचक संजय कृष्ण द्विवेदी ने राम विवाह के दृश्य का रसपान कराते हुए श्रोताओं को बताते हैं कि राजा जनक गुरु विश्वामित्र के साथ राम व लक्ष्मण को धनुष यज्ञशाला ले गए, आराम से सुनते हैं और हवन होता है। उस हवन से प्रदूषण जो है वो भी अच्छा होता है, हवा। और ये देवी देवताओं का मामला है, ये प्रोग्राम हम हर साल इसी समय पर करवाते हैं और ये बराबर चलता रहता है। और ये भगवान विष्णु भगवान की, शंकर भगवान की और ग्राम समाज की सबकी दया से प्रोग्राम संपन्न होता है। और जो व्यास जी हैं वो कन्वज के और शेर और अच्छा गद्दी के ब्रह्म ऋषि हैं। और दिनों तक ये प्रोग्राम चलता है, ये प्रोग्राम बराबर 9 रोज चलता है और 10 रोज इसका भंडारा करता है।